हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू मेडी एक्सपो। मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट शुएब। आज हम लोग जिस प्रोडक्ट या जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, हमारा आज का वो प्रोडक्ट वर्डिगान टैबलेट है। तो आज के हमारे पॉइंट ऑफ व्यू का पूरा फोकस इस मेडिसिन वर्डिगान टैबलेट के कंपोजिशन, इसका यूज़, बेनिफिट, साइड इफेक्ट और इसके डोजिंग शेड्यूल के ऊपर रहेगा। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप इस वर्डिगान टैबलेट से रिलेटेड पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेडिसिन से रिलेटेड आने वाली न्यू वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जीनो फार्मास्यूटिकल्स की वर्डिगान टैबलेट है, जो कि 10 टैबलेट के स्ट्रिप की पैकिंग में आती है और इसकी MRP 45 रुपीज़ के नियर अबाउट है। फ्रेंड्स, अब अगर बात करें इस वर्डिगान टैबलेट के मेडिसिनल कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें सिनार्जिन 25 mg का यूज किया गया है, जो कि एक एंटी हिस्टामाइन ग्रुप की मेडिसिन है। एंटी हिस्टामाइन उस मेडिसिन को कहा जाता है जो हमारी बॉडी में मौजूद हिस्टामाइन को ब्लॉक करके हमारी बॉडी में होने वाले अनवांटेड रिएक्शन को रोकने का काम करते हैं। अब अगर बात करें इस वर्डिगान टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में, यानी कि किस तरह की कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है कि अगर किसी व्यक्ति को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम हो रही हो, वर्टिगो वाली दिक्कत हो, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा हो, जी मिचलाने की प्रॉब्लम हो रही हो, या अगर चक्कर की वजह से उल्टी होने जैसा फील हो रहा हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम को कम करने के लिए इस वर्डिगान टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक डिजीज़ होती है मिनोस डिजीज़, जो कि हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में होने वाली एक प्रॉब्लम होती है, तो इसके इलाज में भी वर्डिगान टैबलेट का यूज़ बहुत बेहतर होता है। यूजेस के बाद अब बात करते हैं इस वर्डिगान टैबलेट के डोजिंग शेड्यूल के बारे में, यानी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो अलग अलग कंडीशन में इसकी डोज भी डिफरेंट डिफरेंट होती है, जैसे कि मोशन सिकनेस, वर्टिगो यानी कि चक्कर आना, ट्रेवलिंग करते समय उल्टी की तरह महसूस होना, जो कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में इस वर्डिगान टैबलेट का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसलिए अगर आपको मोशन सिकनेस, वर्टिगो यानी कि चक्कर आने जैसा फील हो रहा हो, या फिर उल्टी होने के जैसा लग रहा हो, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को सुबह और रात के टाइम में एक एक टैबलेट की क्वांटिटी में अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और जान लेते हैं इस मेडिसिन से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। तो एक बात का आप ध्यान रखें कि अगर आप इस मेडिसिन को बगैर प्रॉपर मेडिकल कंसल्टिंग, यानी कि बगैर डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ना करें, क्योंकि इससे कुछ साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि ज़्यादा नींद आना, इनडाइजेशन, दवा खाने के दौरान वजन का अचानक बढ़ जाना और स्किन रैशेस यानी कि त्वचा पर लाल लाल चकत्ते पड़ना, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह के अनुसार ही करें, क्योंकि अगर आप किसी दवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन दवाओं को यूज करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन यानी कुछ सावधानियाँ होती हैं, जिनके बारे में आपका डॉक्टर या फार्मासिस्ट आपको इन्फॉर्म कर सकता है। जैसे कि एल्कोहल लेने की कंडीशन में इस वर्डिगान टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कुछ मेजर साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को लीवर और किडनी संबंधित बीमारी है, उन्हें भी इस दवा का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की कंसल्टिंग के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ड्राइविंग करते समय भी इस दवा का इस्तेमाल करने से बचें, क्योंकि इस दवा को खाने से नींद आने की जैसी फीलिंग हो सकती है। इसके अलावा जो औरतें बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं या अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन हो, तो इस तरह की कंडीशन में भी इन दवाओं का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, एक छोटा सा इंट्रो था इस वर्डिगान टैबलेट के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल मेडी एक्सपो को जरूर सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।